सो हाय हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं मरीश, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। आज के दिन हम लोग फिर से एक बार जाने वाले हैं गेम खेलने के लिए, जिसका नाम है ब्रदर्स द टेल ऑफ अ टू सन्स। फाइनली हम लोग कैसे भी करके इस कीबोर्ड चैलेंज में, मतलब ब्रदर्स ऑफ टू सन्स मेरे को कीबोर्ड से खेलना है, तो कीबोर्ड चैलेंज में हम लोग पहुँच चुके हैं जायंट वाले मिशन पर। और हम लोग ने लास्ट टाइम इतने बड़े एपिसोड में सारे के सारे पजल्स तो सॉल्व कर लिए थे, उसके साथ साथ हमने जायंट आंटी को भी बचाया था, बड़ी वाली जो अम्मी थी उनको बचाया था, और केज ऊपर उठा के उसके बाद जो मेन चीज़ हुई ना भाई, मैं कीज़ भूल गया था। सो कीज़ के लिए फिर से जाना पड़ा और फिर से मैं पिकअप किया कीज़, और सारी चीज़ें हो गई। और इस बार जो जो जायंट था जिसने हमारी हेल्प की थी इधर अंडरग्राउंड में पहुंचने के लिए, उस जायंट की शायद से कुछ कनेक्शन है उनके साथ। सो काइंड ऑफ वो बीबी रखती रहेगी, मुझे पता नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, कैसे भी करके अभी हम लोग को इस केव से बाहर निकलना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है गाइस, यहाँ पे एक गार्डियन टाइप बंदा है और वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा, जैसे कि लास्ट टाइम कर रहा था। सो हम लोग आगे की जर्नी देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोग किधर छोड़ा था कि हम लोग एक बिग बैटल चालू करनी थी, लेकिन मैंने वहाँ पे एपिसोड छोड़ दिया क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका था। तो अभी शुरू करते इस गेम को। और गेम को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल पर जाइएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस, सो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस गेम को। सो इस बार हमारा गेम प्ले शुरू हो रहा है कटसीन के साथ, ना कि लोडिंग स्क्रीन के साथ। यहाँ पे वो जल्लाद वाला जायंट आ चुका है और हम लोग कैसे बच के हम लोग स्टेयर्स पे कूद गए, और ये मुझे अभी भी याद है। और कटसीन चालू है यहाँ पे, और कटसीन चालू होते होते हमें क्या करना है अभी। ये जो दूसरा जायंट है हम लोग को बता रहा है कि हम लोग कैसे डिफीट कर सकते हैं इस जायंट को। तो अभी मैं छोटे भाई को भेजूंगा और मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है तो इधर उधर से दौड़ के जा सकता है, और लास्ट टाइम भी उसने मेरी हेल्प की थी अच्छे से। तो अभी क्या करना है हम लोग को। ओके, सो हम लोग को एक चीज़ करनी है, हम लोग को यहाँ के जो चार आपको टावर्स दिख रहे हैं फ्लेम्स, उनको बुझाना है। और मतलब बुझाना नहीं, वहाँ पे जाके खड़े रहना है, तो वो आके टक्कर मारेगा और फिर काइंड ऑफ वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा शायद से। ये स्ट्रेटजी है गेम में, पजल काइंड ऑफ है, क्योंकि जायंट ने तो वही बताया, तो ट्राई करके देखते हैं क्या है। और ये जो चारों के चारों जो चेन्स हैं ना, वो बीच वाले गैप में फील हो रहे हैं, मतलब वहाँ से कनेक्टेड है। तो हम लोग अगर चारों के चारों गैप ओपन कर देंगे तो शायद से यहाँ पे बीच में गेट ओपन हो जाएगा। चेक करते क्या है। तो अभी चारों गैप्स तो मैंने तोड़ दिए हैं, ओके ठीक है, लेकिन वहाँ पे गेट ओपन नहीं हुआ है, मतलब वो जो चीज़ है उसका कनेक्शन इसके साथ है कि नहीं पता नहीं। तो एक क्रॉस, ओके गेट ओपन हो चुका है, तो हम लोग क्रॉस खड़े रहते हो, हम लोग को पकड़ने आएगा और सीधा नीचे जाएगा। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हम लोग को उसको बचाना है या करना है, नहीं नहीं अभी मैं उसको धक्का मारने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इंटरेक्ट करते तो क्या होता है देखते हैं। तो अभी दोनों साइड पे मैं खड़ा हो गया हूँ और इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो पता चल जाएगा। ओके, सो उसको हम लोग नीचे डाल लिया। ओके, मुझे लगा कि वो बचाएगा, फिर वो सुधर जाएगा और फिर वो हिंदी बॉलीवुड मूवी जैसा हो जाता है ना, वो वैसे हो जाएगा, लेकिन वैसी चीज़ नहीं थी। हम लोग ने उसको नीचे गिरा दिया, बेचारा मर गया यार। तो अभी क्या करना है, अभी इनके हेल्प से हम लोग को ऊपर जाना है, ठीक है। ऊपर कैसे जाना है, तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लगता है कि ओके मैं पहुँच गया, तो सीधा जंप मारना था। मुझे लगा कि भाई की मदद से हम लोग ऊपर चढ़ना था, लेकिन वो चीज़ थी नहीं, और इन लोग ने हमें ऊपर ले लिया है। एक बड़ा वाला कट सीन हो रहा है यहाँ पे, और हम लोग शायद से इस केव से बाहर निकलेंगे और नए वर्ल्ड में चले जाएंगे। तो मैं एपिसोड तो कंटिन्यू रखने ही वाला हूँ ये वाला, क्योंकि इतनी जल्दी एपिसोड ख़त्म नहीं करने वाला, ये छोटा सा एपिसोड हो जाएगा नहीं तो। तो अभी एक लोडिंग और उसके बाद एक कट सीन, और हम लोग उनको पूछ रहे, क्योंकि जायंट ने हम लोग को हेल्प किया था इसके लिए कि हम लोग अंडर वाटर वाले केव में चले जाए और वहाँ पे जाके हम लोग उसकी वाइफ को बचा पाए और फिर वो हम लोग को प्रॉपर डायरेक्शन बता पाए। तो क्या मतलब, एकदम ऐसा राइम हो गया ना। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे के साइड पे, और यहाँ पे हमारा जो सेकंड वर्ल्ड वाला, सेकंड आई थिंक से थर्ड वर्ल्ड वाला जो चीज़ है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग आगे आगे तरफ जाएंगे और यहाँ पे आएगा लोडिंग वाला स्क्रीन, और हम लोग पहुँचने वाले अभी नए वर्ल्ड में, ठीक है। यहाँ पे अभी कटसीन आ चुका है, हमारे जो डैड की हालत है वो बताई जा रही है कि क्या है, और काइंड ऑफ क्रिटिकल होती जा रही है, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द उस जड़ी बूटी को ढूंढना पड़ेगा। और मेन चीज़ तो वही है कि ये गेम प्ले कब तक छाने वाला है मुझे पता नहीं, क्योंकि कीबोर्ड का साथ कब तक चलेगा इस गेम के साथ वो पता नहीं है, क्योंकि आगे जाके बहुत जन बोल रहे हैं कि आगे जाके कीबोर्ड का ज़्यादा हेल्प नहीं होता। तो चेक करते हैं ना भाई, वो भी एक चैलेंज मान लेंगे अगर वो क्रॉस हो जाता है तो ठीक है। अभी क्या करने वाले हम लोग, अभी कटसीन तो ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा पता नहीं यार, कटसीन बहुत बड़ा हो चल रहा है। तो ठीक है, ये तारों में क्यों जा रहा हूँ यार, मैं तारों में क्यों जा रहा हूँ भाई, आगे आगे तारों में घुस रहा हूँ मैं तो इधर। ओके, सो इधर से वर्ल्ड उधर, वाह भाई वाह, क्या सोच रहे। तो अभी क्या है, अभी हम लोग एक जंगल में पहुंच चुके हैं, बड़े वाले जंगल में, और शायद से यहाँ पे जानवर हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा भूत भी रहेगा पता नहीं, उनसे बचना पड़ेगा, ये भी हो सकता है, मैं एक प्रिडिक्शन लेके चल रहा हूँ। और अभी क्या करना है, अभी ये कटसीन ख़त्म होगा उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होगी, क्योंकि कटसीन बहुत ही स्लो जा रहा है भाई, बहुत ही स्लो।
इतना स्लो जा रहा है, मतलब क्या एनवायरनमेंट बना के रखा, अच्छा एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे हमारा छोटा भाई सोया है, बड़ा भाई उसकी देख रेख कर रहा है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, एक फ्लेम लेनी है। अभी मैंने फ्लेम तो कटसीन के हिसाब से ले ली है, मतलब जो कटसीन में था वही हो रहा है, तो उसके लिए मैंने कुछ इंटरेक्ट नहीं किया है शायद से, या इंटरेक्ट तो नहीं किया, कोई बटन तो प्रेस नहीं किया, तो मतलब ये अपना कटसीन के हिसाब से हो रहा है। तो ठीक है, अभी आगे आगे जाना है, और मुझे लगता है वो भेड़िए है आगे, यस वो जो आपको शाइनी आइज दिख रहे हैं वो जो भेड़िए है, और हम लोग को भेड़ियों को भगाना चाहिए इस फ्लेम की मदद से। तो ठीक है, एकदम केयरफुली चलते हैं, और छोटे भाई को लेके चलना है। ठीक है, छोटा भाई फ्लेम नहीं ले सकता, मैं ट्राई कर रहा था लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, अभी ओके इंटरेक्ट करना था उसके साथ, और मैंने यहाँ पे ना इंटरेक्ट नहीं किया, और इंटरेक्ट नहीं करने के वजह से ना एक चीज़ हो गई कि उसने मुझे मार दिया। तो अभी ओके ये करना है मुझे इंटरेक्शन से, ये चीज़ होगी, मतलब मैं उसको आग से डरा पाऊँगा और वो भेड़िया आगे आगे चला जाएगा या फिर क्रॉस हो जाएगा। लेकिन शायद से मुझे लग रहा है कि इस सर्कल में अपने छोटे भाई को उसमें रखना पड़ेगा, और मेरे दो दोनों कंट्रोल्स हैं ना भाई, वो क्या चल रहे हैं, मतलब मक्खन जैसे चल रहे हैं ना, सच्ची में सालों को पाप लगे, अबे यार क्या चल रहा है। ठीक है, मुझे अभी क्या करना है, मुझे उनको ना पैरेलल दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक बार भी साइड हो गया ना तो मैं उस फ्लेम से दूर हो जाऊँगा, और अगर फ्लेम से दूर हो गया ना तो ये भाई ले लेंगे मेरी, मतलब छोटे भाई को तो ले ही लेंगे, मेरी तो छोड़ो, छोटे भाई को ले लेंगे। तो अभी क्या करना है, अभी नीचे नीचे जाते हैं, ओके, और ये छोटा भाई फ्लेम से बाहर जा रहा है, ओके आगे लाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। ठीक है, सो एक हो गया, यहाँ पे लाशें लटकी पड़ी है यार, क्या क्रीपी फॉरेस्ट बना के रखा है लोगों ने। मैं सोच रहा हूँ यार आउटलाश खेल लूँ, आउटलाश भी मैं खेला था पहले, लेकिन यार इतनी फट गई थी, तो सोच रहा हूँ फिर से एक बार ट्राई करूँ। उसमें मैं ऑलमोस्ट 85% कंप्लीट किया था, लेकिन लास्ट 15% वो कुछ चीज़ थी यार, उसके वजह से शायद से ब्लॉक था, और मैं ट्राई नहीं किया। यहाँ पे मैं फिर से एक बार डाउन हो गया, और वही चीज़ थी, तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा आउटलाश खेलने के लिए, फिर से एक बार आउटलाश का गेम प्ले लेके आऊँगा। मुझे पता है वो काइंड ऑफ पुरानी गेम्स है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाल के रखे हैं, लेकिन यार अपन ट्राई करेंगे तो और अलग रहेगा। तो लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे यार फिर से लोडिंग, ये क्या चल रहा है यार, अभी चांस तो दे दियो। ओके ओके, तो अभी पहले क्लोज चलूँगा, ये गंदा था, मतलब यार ये क्या चल रहा है, मतलब मैं अभी उसके पास में हूँ तो एटलीस्ट वीडियो को तो दूर रखना चाहिए। ठीक है, मैंने काउंटर कर लिया उसको, तो मतलब ये काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट हो गया था यार, मतलब मैं जिधर था उधर उसके पास में भिड़िया था, मुझे लगा कि जब चालू होगा गेम तो फिर से रीसेट हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, भिड़िया अपने पास में आसपास ही थे, तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट हो गई। ठीक है, हम लोग ने कैसे करके क्रॉस कर लिया, और हम लोग यहाँ पे आए हैं ग्रेवयार्ड के पास, क्योंकि ग्रेवयार्ड वाला सीनरी लग रहा है मुझे यहाँ से, या से ग्रेवयार्ड है, डेफिनेटली ग्रेवयार्ड है, मुझे मतलब देख के पता चल गया भाई, वो आगे को लगा के रखे ना भाई, ये जो अंग्रेज़ों वाले रहते हैं ना, ब्रिटिशों वाले, तो वैसे वाली चीज़ लगा के रखे, मतलब ये ग्रेवयार्ड है, और हम लोग को यहाँ से हेल्प मिलेगी, यहाँ पे किसी को पूछ सकते हैं। अभी भेड़िया तो नहीं आएंगे, मुझे लगता है ग्रेवयार्ड के अंदर भेड़िया नहीं आते, क्योंकि भेड़िए भूतों से डर रहे, और यहाँ से कुछ अलग ही ऐसा क्रीपी सा रहेगा तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इस डोर बेल को बजाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंटरेक्शन वाला चीज़ दिख नहीं रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैं खड़ा रहता हूँ और चेक करता हूँ कि इस डोर बेल को बजा सकता हूँ कि नहीं बजा सकता। ठीक है, अगर ये डोर बेल बज जाती है ना, मतलब कोई ना कोई तो आएगा उस रूम में से, और वो जो हमारी हेल्प करेगा। तो मैं किस पे था, मैं था आउटलास्ट के गेम प्ले पे, और आउटलास्ट के गेम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मेन चीज़ ये थी कि मैं आउटलास्ट खेलूँगा ज़रूर, लेकिन आउटलास्ट के लिए अगर फेस कैम रहेगा ना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब आप मेरे को डरते हुए देखोगे ना तो मतलब अलग ही, जैसे अगर ऑडियो के हिसाब से देखोगे ना तो अच्छा नहीं लगता ऐसे हॉरर गेम्स देखना, तो अगर फेस के हिसाब से रहेगा तो अच्छा रहता है। तो मैं ई दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन घंटा बज नहीं रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, तो थोड़ा सा साइड एंगल में लेंगे और फिर घंटी बजाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी ओके, सो बज गया फाइनली, मतलब अगर आप पीछे के साइड से घंटा बजाने की सोच रहे हो तो नहीं होगा, तो आपको पूरा रोटेट करके, मतलब राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट से दोनों से हो सकता है रोटेशन, तो वहाँ पे हो जाएगा, घंटा बजाएंगे तो यहाँ से एक आंटी आएगी, अंकल है, आंटी है, क्या है ये, ओके सो ये बंदा आएगा और वो हमारी हेल्प करने की कोशिश करेगा। ये अच्छा काइंड वाला बंदा लग रहा है, ओके ये टकलू बंदा है। ठीक है, ये बंदा हमारी हेल्प करेगा और हम लोग को बताएगा कि आगे किधर जाना है। ठीक है, ये बंदा है, आंटी है, क्या है ये, उसने ना इतना मतलब ऐसा ऊपर बैंड ना हिनाटा जैसा लग रहा है उसका, वो साइड से जो बाल आ रहे हैं, अंधापन आ गया मुझे। तो अभी क्या करना है, इस गेट से फिर से एक बार बाहर निकलना पड़ेगा, फिर से एक बार, मतलब ये होता है कि इस उस गेट से आए तो वहाँ पे भेड़िए थे, नहीं थे, और इस गेट से फिर से बाहर निकलना, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भेड़िए है, ओके
और यस वहाँ पे भेड़िए है, वहाँ पे मुझे ना कुछ हलचल सा दिख रहा है यार, नहीं पानी है शायद से, वो पानी है। तो हम लोग अभी बाहर निकलेंगे और ये भेड़ियों का क्या करने वाले है पता नहीं यार। अगर यहाँ से भेड़िया आ गया, अभी मेरे हाथ में मशाल भी नहीं है, मतलब इतना शान पट्टी, वो बड़े भाई ने मशाल बुझा दी आने से पहले ही, और यहाँ पे भेड़िया आ गया, मुझे लगा ही था ये कट सीन होने वाला है अभी। ओके ये क्या कट सीन है, ठीक है मैं दौड़ के तो इस साइड आ गया और मैंने उसको पकड़ लिया, लेकिन यहाँ पे एक भेड़िया है और शायद से मुझे लग रहा है जंप मारना पड़ेगा। ओके सो कॉल इट टाइमिंग, हम लोगों ने जंप मार लिया है, लेकिन मुझे अभी छोटे भाई की हेल्प करनी है, मुझे उसको कैसे भी करके अपने खुद के कंधे पे लेना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैंने कंट्रोल सबसे संभाल के रखे और यहाँ पे मैं ओके पकड़ पकड़, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, इंटरेक्ट हो गया, फाइनली ये इंटरेक्शन हो गया है। तो अभी क्या करना है, बहाव के साथ बहते जाना है, बहाव के साथ मतलब प्रवाह के साथ बहते जाएंगे हम लोग आगे की तरफ, और हम लोग चेक करेंगे कि ये झरना जो है ना वो कहाँ तक जाता है, क्योंकि ये कटसीन तो है नहीं, मैं यहाँ पे हिल पा रहा हूँ, मतलब कीबोर्ड से हिला रहा हूँ अपना जो कैरेक्टर है वो, तो आगे आगे जा रहे ज़रूर। ओके ठीक है, इससे ऊपर जा सकते हैं शायद से, यस यस ये अच्छी बात है, मतलब वहाँ पे तो वाटरफॉल, और वाटरफॉल से बच गए हम लोग, तो अभी इस साइड आएंगे और ये शायद से हम लोग पहुँच चुके हैं 3.5 वर्ल्ड में, मतलब ऑलमोस्ट एक नए वर्ल्ड में 3.2 वर्जन काइंड ऑफ, मतलब पहला ग्रेवियर था उसके बाद नया वाला चीज़ ये आया है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को बैठना है, ये बैठने के लिए जगह अच्छी दी हुई है, मतलब अगर आप कोई चीज़ कंप्लीट कर लेते हो सिनेरियो, अगर आपको पूरा सीन देखना रहेगा ना तो बैठ जाओ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बैठूंगा ज़रूर। तो पहले जाते हैं ओके आगे की तरफ और दूसरे भाई को भी आगे की तरफ लाते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो अगर हम लोग बैठ गए तो यहाँ पे हम लोग को सारा का सारा जर्नी दिखेगा जो हम लोग ने अभी तक क्रॉस किया हुआ था। नहीं ये वाला जर्नी नहीं है, ये आगे का जर्नी है, ऐसे ही झरना आगे आगे जा रहा है और अंधेरे की वजह से मुझे उस साइड का एरिया नहीं दिख रहा है, और उस साइड का जो एरिया है ना वो काइंड ऑफ है हमारा एरिया, मतलब जहाँ से हम लोग आए थे। सो यहाँ से हम लोग को नीचे नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे पूरा का पूरा जंगल है, तो नीचे की साइड से जाएंगे हम लोग। सो नीचे की साइड पानी के अंदर तो कूद नहीं सकते, क्योंकि छोटे भाई का जो कमज़ोरी है वो पानी है, कैसे भी कैसे मैं करके मैंने उसको इंटरेक्ट करवाया और हम लोग झरना क्रॉस कर दिए। तो अभी क्या करना है, इससे हम लोग को पकड़ना है, उसको स्लाइड स्लाइड करते जाना है, और ये गंदा चीज़ हो गया, मतलब मैं छोटे भाई को पीछे छोड़ के बड़े भाई को आगे कर दिया, तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इतना, वो गिरा तो नहीं। तो अब लोग क्या करना है, अभी सेम चीज़ है, साइड एंगल से लेना है और हम लोग को जंप मारना है। अगर आप साइड एंगल से लेके प्रॉपर जंप मार पाते हो ना तो अच्छी बात है, मतलब अगर साइड एंगल से लोगे ना तो प्रॉपर जंप बैठेगा, ऐसे बात करने वाला था मैं, ठीक है थोड़ा कंफ्यूजन। और इस साइड पहुंच गए, पहले मैं बड़ा भाई को उस साइड पहुंचाएगा और फिर छोटे भाई को उस साइड पहुंचूंगा। तो अभी फिर से छोटे भाई का जंप, ओके नहीं शिट, वो जो पत्थर था वो नीचे गिर गया, दैट वाज ब्रूटल, मतलब यार नहीं नहीं ये कटसीन है, ओके ये कटसीन है, मुझे लगा यार मेरी गलती हो गई है, मर भी गया क्या, नहीं नहीं ये कटसीन था। तो अभी क्या करना है हम लोग को, छोटा भाई आगे आगे जा रहा है और इस कटसीन में किधर ना किधर तो वो रुक जाएगा, तो हम लोग को वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि बड़े भाई और छोटे भाई का जर्नी अलग अलग होने वाला है इसका, ठीक है छोटे भाई ने ये चीज़ पकड़ ली कटसीन में, और इससे मेरा कोई भी संबंध या रिलेशन नहीं है, मैंने इसको कुछ भी किया नहीं, इंटरेक्ट वाला बटन, तो यहाँ पर सारा का सारा कटसीन ही चल रहा है भाई। आज का एपिसोड ना पूरा कटसीन पे ही जाने वाला है, स्टार्टिंग हुआ कटसीन से, बीच में आया कटसीन, फिर से वो भेड़िया वाला कटसीन और ये वाला कटसीन, तो मतलब आज के एपिसोड का नाम रहेगा कटसीन, ओके ओनली कटसीन, ब्रदर्स द टेल ऑफ अ टू सन्स कटसीन, ठीक है। सो अभी क्या है, जोकिंग नहीं कर रहा हूँ सच्ची बोल, ओके ये मतलब ये भाई किधर भी कूदेगा तो मर ही जाएगा, अभी क्या करना है, फक यार लटका पड़ा है और ये हाथ हिल रहे हैं, ये पेड़ है क्या है, जानवर है, ओके ये पेड़ है या जानवर है समथिंग, ओके कुछ तो है ये, ओके ये ऐसे भी दिख रहे हैं यार गाइस, ये काइंड ऑफ क्रीपी थिंग है, लेकिन ठीक है मैं उसको क्रॉस करवा लूँगा। ओके ठीक है, ये लकड़ी पकड़ पकड़ के अंदर से जाना है, ओके ये पैदा भी हो जाते हैं, ठीक है तो नीचे जाना पड़ेगा और फिर से ऊपर आना पड़ेगा, ये हाथ लंबे नहीं होते ना भाई तुम लोग के, ठीक है उतने ही रहते हैं, ये खाली अपने को मॉनिटर करते रहेंगे इधर से उधर तक डेस्कटॉप वाले। और अभी ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है और आगे आगे जाते हैं, ठीक है हाथ लंबे नहीं हो रहे, अच्छी बात है गाइज, मतलब तुम लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो, हाथ लंबे नहीं कर पाते, उतनी हाइट हाथ रखे तुम लोग ने हाइट के हिसाब से। और मैं सोच रहा हूँ कि इधर से अगर उसको मैं ऊपर ले लूँगा तो सक्सेस रेट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से भी ले सकता हूँ लेकिन यहाँ पे एक पौधा है ऑलरेडी, तो उसको कैप्चर करेगा जरूर, तो मैं सोच रहा हूँ इधर, मेरा सोचना ना सोचना क्या होता है भाई, कटसीन के हिसाब से चलेगा। तो अभी जब मारना पड़ेगा एक और कटसीन। तो हम लोग ने यहाँ पे लोडिंग पैनल पे पहुँच गए और ये हुआ ब्यूटीफुल सीन गाइस, मतलब छोटा भाई नीचे डूब रहा है, अभी बड़े भाई को कैसे भी करके, मतलब ये इंटरेक्शन वाला चीज़ है गाइस, ये कटसीन वाला नहीं है, आपको आगे के जाना है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा आगे गया, ठीक है इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और ये ओके सो ये जो स्नैपिंग हुआ ना अभी, गंदा वाला स्नैप था ये, मतलब मैं कहाँ पे था और वो कहाँ पे था, मैंने उसको
ऑलमोस्ट हाथ भी नहीं दिया तो भी वो स्नैप हो गया। और ये भी कभी कभी रहता है ना यार, मतलब गेमिंग में कि गेमिंग टेक में करते हुए तो कि ये स्नैपिंग हो जाता है कभी कभी मॉडल्स का, या फिर कैसे करूँ कैरेक्टर्स या किसी भी ऐसे कोलाइडर्स का, तो ये थोड़ा गेम टेक वाला चीज़ हो गया। ओके सो मैंने अपने भाई को बाहर तो ज़रूर निकाला है, लेकिन अभी देखते अभी क्या चलने वाला है। और ये ज़िंदा है तो ठीक है, ज़िंदा है अच्छी बात है। और यहाँ पे मतलब इस वर्ल्ड में हम लोग यहाँ पे नए वाले वर्ल्ड में पहुँच चुके हैं, नए वाला वर्ल्ड मतलब 3.3 बोलूँगा उसको मैं। और आगे की जर्नी हम लोग क्रॉस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो अभी मेरी जर्नी में यहाँ पे ही रोक रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट हम लोग ने भेड़ियों को हराया, भेड़ियों ने हम लोग को 3 बार हराया। मतलब यार क्या चीज़ है ना यार, मतलब वो अलग ही चीज़ था। मतलब मुझे लगा कि रीसेट हो जाएंगे भेड़िए, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं। और अभी क्या है कि हम लोग को आगे जाना है, और ये जो क्रिपी थिंग्स थे ना, मुझे मतलब अलग ही सरप्राइज़ लगा। और ये कटसीन बहुत ज़्यादा है इस एपिसोड में, सॉरी नहीं बोल सकता, वो गेम का ही है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फिर से एक बार मिलने वाले। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा। अगर आप कुछ सजेशन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको मेरा गेमिंग कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साइड का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में आपको गेमिंग रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। गेमिंग वॉकथ्रू डालता हूँ यहाँ पे, गेम टेक के बारे में बात करता हूँ, उसके साथ साथ मैं टॉप टेंस के बारे में बात करता हूँ, और बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे, तो बने रहिएगा इस चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।